हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला आर्क्स रॉयल का यार बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के वीडियो में आर्क्स रॉयल में एक और हम न्यू डायनासोर टेम करने वाले हैं। तो प्लीज यार वीडियो पूरा एंड तक देखना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तुम लोगों को पता ही, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और गाइस, अगर न्यू हो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके यार जो बाजू का बेल आइकन है यार उसको जरूर से दबाना, ताकि यार तुम्हारा भाई जब भी नए नए वीडियो लाए तुम लोगों को यार सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और गाइस, जिन्होंने भी यार हमारा जो डिस्कॉर्ड है जो ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके यार हमारे डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो हेलो गाइस यार, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज हम एक और नया डायनासोर टेम करने वाले हैं। तो उससे पहले यार आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में यार एक दो चैनल के लिंक मिलेगी, जाके यार जाके जल्दी से जल्दी यार उन चैनल को भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर आपको यार उनका चैनल पसंद आता है जरूर से यार उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ आज हम कौन सा डायनासोर टेम करने वाले हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में तुम्हारा भाई यार एग्रानो डॉन को टेम करने वाले, तो आई थिंक यही नाम है उसका, तो एग्रानो डॉन को टेम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार मेरे को उसकी सैडल चाहिए, तो उससे पहले मैं दिखा लेता हूं आपको उसकी सैडल कितने लेवल पे मिलेगी। तो सबसे पहले अपने इनग्राम पॉइंट में चलते हैं। तो ये रहा हमारा इनग्राम पॉइंट, तो आई थिंक 30 लेवल पे खुलती है जैसे मेरे को याद है, जैसे मैंने अभी तो ओपन की थी। हाँ, तो गाइस यार ये रहा एग्रानो डॉन। तो भाई साहब, इसकी सैडल जो आपको 30 लेवल पे मिलती है, तो सबसे पहले मेरे को इसकी सैडल बनाने के लिए चाहिए 80 हाइट, तो 80 हाइट चाहिए, और मेरे को 15 चाहिए वुड। तो सबका जुगाड़ मैंने भैया तुम्हारे भाई ने बहुत ही ज्यादा मतलब ऑफलाइन बहुत ही ज्यादा डायनासोर को मार मार के ऐसी कितैसी कर दिया। तो सबसे पहले मैं वुड ले लेता हूँ और हाइट ले लेता हूँ, तो इतना ही चाहिए तो ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ सबसे पहले, अच्छा इसका तो जो भी सैडल तो ऐसे ही बनेगा, स्मिदी में नहीं बनेगा। तो चलो गाइस, ज़रा इसका सैडल जब तक बनते हैं तो अभी तब तक के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरे को एग्रानो डॉन ढूंढना पड़ेगा भैया किस साइड से। तो एक जगह तो मैंने देखा था, तो गाइस ज़रा मैं एक काम कर लेता हूँ ना, तो किसी डायनासोर को मैं अपने साथ लूँ कि नहीं भैया, इसकी भी एक की भी स्पीड यार इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर पेट्राडोन की स्पीड थोड़ी सी मतलब उसकी सैडल मेरे पास होती तो भैया उसी को हम अपने साथ ले लेते। बट गाइस यार उसकी सैडल मेरे पास नहीं है, तो वो 38 लेवल पे खुलेगी, तो मैं पेट्राडोन का बेसिकली उसका जो वेट बढ़ाने वाला हूँ। तो और गाइस, अभी मैं आपको थोड़े से मतलब जो अभी मैंने मतलब चेंजेस कुछ नहीं किया, हमारा जो बेस है बस ऐसे ही, तो अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया तो भाई वही है, और बस मैं मतलब कोई खास चेंजेस नहीं किया, बस मैंने जो हमारा जो है प्रिज्म ग्रीन उसी को लगाया है। तो मेरे को चाहिए सबसे पहले जो हमारा है क्या बोलते हैं इसको, स्पॉइल मीट। तो स्पॉइल मीट से मैं बेसिकली आपको पता ही होगा स्पॉइल मीट से क्या बनता है, भैया हमको नार्कोटिस चाहिए, तो नार्कोटिस 24 बन चुके, तो वो 24 तो मेरे को बाकी मैंने 6 कहीं और पे रखी थी भैया, मेरे पास पता है कितनी थी 30 के आसपास मैंने। तो गाइस यार ये रहे मेरे ब्लू प्रिंट जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो ब्लू प्रिंट जिनको नहीं पता कैसे मिलते, तो भैया आपको एक फ्री वाला ऊपर दिख जाएगा, तो आपको सिर्फ उसमें एक ऐड देखने तो आपको मिल जाएगा ब्लू प्रिंट। तो यहाँ पे रहे मेरे 6। तो गाइस यार मैं सबसे पहले जो मेरे को बनाना है तो वो है नार्कोटी क्या बोलते हैं उनको, नार्कोटी एंड ट्रैंक एरो। तो भैया मेरे को ट्रैंक एरो चाहिए, तो भाई 30 बना लेता हूँ, वैसे भी मतलब 30 मेरे को ज़रूरत तो पड़ने वाली है, तो मैं 30 ही पूरे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं इस पर होल्ड करने के बाद इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। चलो गाइस यार अभी ट्रैक आ रहा भी बन चुके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ थोड़े से जो हमारे नार्कोटी है तो वो ले लेता हूँ भैया नार्कोटी। तो के 3 बहुत है, 3 बहुत है, मेरे को लगता है कि 3 जो हमारे हैं टेम हो जाएगा, तो आई थिंक 3 में टेम हो जाएगा। मैं कम कर लेता हूँ यहाँ पर नार्कोटी उठा लेता भैया। ओके, तो चलो गाइस हमारी मतलब फुल जो भी हमारे पे प्रिपरेशन थी तो वो तो हो चुकी, तो मैं एक काम कर लूँ सबसे पहले मेरे को जो अपने क्या बोलते हैं एरो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एरो अगर वहाँ पे कोई डेंजरस डायनासोर आ गया भैया मारने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, मैं जाके थोड़ी उसके सामने नाचूँ भैया, इसलिए थोड़े से हम जो कि ट्रैक सॉरी सिंपल वाले एरो भी बना लेते हैं, ताकि यार जो भी कहीं डायनासोर आए तो मैं उसको मार पाऊँ इजिली। तो ओके गाइस, तो अभी मैं सबसे पहले थोड़ी सी फाइबर मेरे को चाहिए, तो फाइबर पैसा फाइबर अंदर मेरे पास पड़ा हुआ था भाई, तो फाइबर को रहने देता हूँ, तो एक काम कर लो जो सबसे पहले फाइबर ही उठा लेता हूँ। तो अच्छा आई थिंक जो एग्रानो डॉन है वो किससे टेम होता है, आई थिंक बेरी से टेम होता है, मेरे को जितना याद है बेरी से ही होता है, मैंने एक दो बार किया है टेम, तो शायद से बेरी से ही टेम होता है यार गाइज, मेरे को याद नहीं है फुल। तो चलो गाइज देख लेंगे, अगर मीट से होता है वो मीट भी दे देंगे, अगर बेरी से होता है तो भाई बेरी हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी।
तो चलो मैं देख लेता हूँ अभी जो हमारे ट्रेन करो कितने बनते हैं। तो मेरे को कम से कम यार 20 चाहिए थे, 19 बन रहे हैं बहुत है। चलो गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो ओके जल्दी जल्दी बन जा। तो गाइस बेसिकली जो मैंने मतलब जो हमारा इग्लोना डोन था मैंने जो देखा था वो गाइस इधर आपको सामने जो रेड वाला दिख रहा होगा मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते थे, बट उस दर हम आर्टिफैक्ट हम डाल के यार कुछ भी मतलब ब्लू प्रिंट रेड सकते हैं। तो गाइस मैंने उसी साइड अपना जो मतलब इग्लोना डोन देखा था। तो गाइस आपको मैं सीधा वहीं पर मिलता हूँ, तो जब मेरे को इग्लोना डोन मिल जाएगा तो और कुछ टाइम करने के मतलब उधर ही मैं आपको मिलूंगा सीधा जब मेरे को इग्लोना डोन मिलने वाला होगा। तो गाइस यार मैं उधर पहुंच चुका हूँ जिधर मेरे को इग्लोना डोन दिखा था पहली बार। तो गाइस यार अभी मैं उधर ही हूँ, तो मेरे को एक इग्लोना डोन जो कि ऊपर दिख चुका है। तो गाइस यार हम सिंपली इसी को टेम करने वाले हैं, तो इसे कलर भी मेरे को अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ भैया कितने लेवल का है। तो ओके 50 लेवल का भैया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है भैया। सब मतलब एक बात याद रखना कि भाई इग्लोना डोन पैसिव टेम होता है, बट अब अगर आप उस पर हिट करोगे तो भैया वो भी आपको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गाइस यार मैं सबसे पहले काम करता हूँ भाई इसके हेड पे अटैक करता हूँ भाई। अभी इसको टेम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो गई बस छूटना नहीं चाहिए। तो आई थिंक कितने लगेंगे, तो के तो हमारे सुखे 60 रैंक आरो लग चुके हैं, तो जल्दी जल्दी टेम हो जा भाई। ओके गाइस, तो यार हमारे जो इग्लोना डोन है वो के नॉक सॉरी क्या बोलते हैं उसको अनकॉन्शियस हो चुका था भाई। मेरे को इधर थोड़े से निशान आ रहे हैं कि भैया यहाँ पे एक खतरनाक डायनासोर है, तो भाई मेरे को थोड़ा सा इधर बच के रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे को थोड़े से जो भी निशान आ रहा है वो भैया थैरी जोन क्या बोलते हैं थैरी। ओके गाइस, तो मैं एक काम कर लेता हूँ उसका मतलब इधर जो कि इसके पास बेरी दे देता हूँ बेरी। ओके बेरी से ही टेम होता है जिसमें मैंने सोचा, तो मैं अभी इसको जो थैरी जोन है सॉर्स भैया जो भी थैरी क्या नाम है उसका भैया उसको मैं थोड़ा सा मतलब ऊपर की साइड ले लूँगा भैया। मतलब अगर वो उसको देख लेगा भैया ऐसी की तैसी कर देगा इसकी, तो भैया मैं थोड़ा सा उसको साइड में लेके भैया खोपचे में ले लेंगे उसको भैया। अबे यार इससे थोड़ा सा मतलब अबे पड़ जा यार वो उसको मार देगा। ओके पड़ गया भाग 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 भाग। अबे यार इधर कितने थैरी जोन सोर्स है भाई साहब। ओ भाई मेरी लगने वाली कसम से बोल रहा हूँ। अब भाई नीचे रैप्टर अभी भाई साले रैप्टर तो मेरे को भी मैं ही मिला था भाई। छोड़ दे भाई रैप्टर आप छोड़ दे। रैप्टर तेरी ऐसी की तैसी कर दूँ। ओके गाइस जल्दी जल्दी मेरे को इसको भी मारना पड़ेगा रैप्टर को। ओके भाई इतना हाई लेवल का एक काम कर लो, तो इधर से निकल ही लेता हूँ भाई इसको मारने के चक्कर में मैं खुद मार जाऊँगा। सबसे पहले मैं उसको देखता हूँ हमारा जो हमारा डायनासोर मैन जो डायनासोर है वो टेम हो रहा है कि नहीं भाई। सब थैरी जोनो सोर सीजरी भाई घूम रहा है भाई जो सॉरी गाइस यार गाली देना नहीं चाहता बट यार मुँह से निकल गई भैया गलती से मुँह से निकल गई। तो मैं एक काम कर लेता हूँ सबसे पहले यार अपने डायनासोर का देख लूँ भाई पता लग गया कि भाई इन्होंने उसको निपटा दिया। वो नहीं चाहता मैं इसको निपटा दिया जाए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है यार इसको टेम करने में भाई। ओके गाइस तो अभी टेम हो रहा है भाई अच्छी बात है बच चुका है। तो अभी मैं मतलब उनको दोनों को साइड लगा के तो आ चुका हूँ भाई। ओके गाइस यार टोटली 12% हो चुका। तो अभी तो गाइस यार देख लो ऊपर फ्री गिफ्ट आ रहा हो ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको सिंपली यार उस पर टैप करना तो आपको यार एक फ्री गिफ्ट मिल जाएगा। मैं जैसे मेरे को यार रेयर फ्लावर मिल रहा है तो ऐसे ही आपको यार ऐसे ही मतलब कभी कभी आपको यार ब्लू प्रिंट मिलते हैं, तो कभी कभी आपको बाकी चीज़ें मिलती थी भाई इसको लेते रहो तो आपको थोड़ी सी मतलब बेटर चीज़ें मिलती। तो मैं काम करता हूँ जो मेरे को मेन चीज़ करनी था इसको दे देना इससे जल्दी टेम होगा। तो मैं अभी इसको थोड़ी सी बैरी दे देता हूँ और भाई हमारे पास वैसे भी नारकोटीज पड़ी है तो भाई ये नारकोटीज ही दे देता हूँ थोड़ी सी मतलब। ओके तो हमारा इसका अनकॉन्शियस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो गाइस यार आपको मैं सीधा मिलूंगा तब यार जब ये मतलब टेम होने वाला होगा तो आपको मैं सीधा वहीं पर मिलता हूँ, क्योंकि अभी इसको टेम करने में भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको सीधा वहीं पर मिलूंगा जब ये टेम होने वाला होगा। तो गाइस यार तुम्हारे भाई का डायनासोर जो कि टेम हो चुका और भाई साहब ये कार्नी जो कार्नी क्या नाम है इसका भाई कार्नी
बोरस कुछ ऐसा ही नाम है इसका, तो ये जो हमारे मेरे को बहुत तंग कर रहा है तो मैं इसको मार दूंगा भैया, इधर से आ निकल जा। तो गाइस यार मैं अभी एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको जो सैडल देता हूँ। और गाइस यार जो 50 लेवल था तो 50 लेवल से मतलब 17 लेवल बढ़ चुका था भाई, अच्छी बात है, बट गाइस थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था भाई। तो गाइस यार हम सैडल लगा के देखते हैं और भाई इसके थोड़े से हम स्टैक देखते हैं कितने अच्छे हैं कि भैया गाड़ियाँ वही है, वो स्टैक देखते हो भाई। हेल्थ ठीक ठाक है और नाइस, तो स्टैमिना भी ठीक ठाक है, तो गाइज फूड भी ठीक ठाक है, डैमेज मिली डैमेज भी ठीक ठाक, मूवमेंट स्पीड ओके, तो मूवमेंट स्पीड में और वेट भी अच्छा है। तो भाई कुल क्रेबर का तो गाइज डिसेंट लेवल के इसका जो भी स्टैक है तो अभी के लिए डिसेंट लेवल। और गाइज मुझे इसका मतलब जो थोड़ा सा भैया रही है बाकी डायनासोर से अभी कंपेयर करते थोड़ा सा भाई ये बेटर है, मतलब क्योंकि बेटर है क्योंकि सर जिसका मतलब स्पीड है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी है बाकी डायनासोर। भैया इसको मैं ऊपर लेके आऊँ वरना भाई शॉक मार मार के इसकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे। ओके मैं अभी इस पे चढ़ता हूँ, तो गाइज अभी मैं आपको थोड़ा सा भाई, तो गाइज इसकी जो एक खास मतलब आपको देखूँगा भैया ये देख लो, ये जंप भी कर सकते हैं, ये थोड़ी इसकी मतलब बड़ी बात है कि अच्छी बात है भैया, बड़ी बात क्यों भैया, बहुत ही बढ़िया बात है इसकी। तो मैं काम कर लेता हूँ, सबसे पहले मेरे को ये क्रॉस करना पड़ेगा भैया, क्योंकि इधर एक हाई लेवल का रैप्टर और भाई साहब इधर एक थेरिजोनोसॉर्स भैया, मैं थेरिजोनोस है तो भैया उससे साथ मैं पंगा नहीं लेना चाहता। तो गई सर सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, अपने घर पे चलता हूँ भाई। तो गाइज़ ये देख लो कुछ मैं, और गाइज़ मैं आपको इसको थोड़ी अच्छी चीज़ें भी दिखा देता हूँ भैया, और अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, अभी क्यों नीचे क्यों उतर गया, तो भैया ये भी बैरी इकट्ठे कर रहा है। तो भाई सब ये देख लो भाई, ये भी बैरी इकट्ठे करता है, बट यार गाइज़ इसका जो एक मतलब बैग जो मेन चीज़ है भैया ये जितना मेरे को लगता है शायद आ जा बेटे, तो मैं इसका चेक ही करने वाला था आज, अब मार दे अबे मर जा। ओके गाइज़ तो मार दिया, तो गाइज़ यार बट मीट इसमें नहीं लेने वाला, तो ओके भाई ये बैरी, ये भी मतलब बैरी के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डायनासोर, अगर आप इसको मतलब सर जैसे मैं आपको बोल रहा कि बैरी के लिए यार ये भी एकदम मतलब मस्त डायनासोर है, बट गाइस यार बैरी से ज़्यादा ये कुछ और इकट्ठा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यार बैरी से ज़्यादा जो आप अगर सीड वीड इकट्ठा करना चाहते हो तो गाइस यार आप इससे सीड बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो भाई। सर ये देख लो मेरे को कितने मेजे बैरी के सीड मिल चुके, तो मैं कम कर तो अपने घर पर चलते भाई। ओके तो अभी मैं अभी काम कर लेता हूँ, अपने घर पर चलता हूँ भाई साहब। तो सबसे पहले यार भाई साहब बहुत टाइम लगने वाला है मेरे को अपने घर तक पहुंचने में, तो मैं तो गाइस यार मैं अभी ये काम कर लेता हूँ, मैं आपको सीधा अपने घर पे मिलूंगा। तो आपके गाइस यार अभी हम अपने घर पे जो के पहुंच चुके, अपने बेस के आसपास जो के आ चुके हैं। और गाइस यार अभी मैं इसका थोड़ा सा आपको जंप भी दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो भाई। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर चल के ऊपर से जंप मारेगा भाई साहब, देखेंगे कितना बड़े मतलब कितनी बड़ी जंप मारेगा। तो मतलब डीसेल लेवल का जो कि हमें मिल चुका, तो गाइस यार मुझे लग रहा था थोड़ा सा अगर और 10 लेवल मतलब 5-6 लेवल अगर 70 लेवल से ऊपर हो जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, बट गाइस यार अभी के लिए ठीक है। तो अभी मतलब स्टार्टिंग है हमारी, तो इसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल के डायनासोर पकड़ने वाले हैं, तो अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ओके गाइज तो ये देख लो भाई, तो गाइज यार इसका मतलब जो सिंपल है भाई सब, अगर आप यार एक सीड इकट्ठा करना चाहते हो तो गाइज यार आप इसको भी टेम से वो सीड और बैरी ये दोनों इकट्ठा करता है। तो गाइज यार आप देख लो भाई, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भैया वो पतन। तो गाइज यार ये देख लो, बैरी भी अच्छी खासी इकट्ठी कर लेते हो, और गाइज यार ये हमारा टी, तो ओके गाइज तो थैच भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इकट्ठी कर देता है। तो गाइज यार मतलब मेनली अगर आप मतलब ट्रैवल करना चाहते हो, अगर पैरासोर से मतलब आप ट्रैवल करते हो भैया, पैरासोर से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डायनासोर है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड है। और गाइज मुझे बताना आपको यार ये वाला डायनासोर कैसा लगा, तो गाइज जरा मतलब इसके जो स्पीड है मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। और गाइज आप इससे ट्रैवल भी करते तो यार वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैवल अगर सिंपली आप इससे करते हो तो थोड़ी सी मतलब पैरासोर से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पीड इसकी मिल जाती है। तो गाइज जरा तो मुझे बताना आपको कमेंट में यार आपको ये वाला डायनासोर कैसा लगा। तो गाइस यार अगर आज का वीडियो इधर ही तक था, तो गाइस यार अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे बता देना आप नेक्स्ट जो वीडियो किस डायनासोर को टेम करते हुए देखना चाहते हो, तो वो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना आपको किस डायनासोर पे मेरे मतलब कौन सा डायनासोर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट जो वीडियो में कौन सा डायनासोर टेम करूँ, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो गाइस यार आज के लिए इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार भैया मतलब जो भी न्यू यार हमारे चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और गाइस यार अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बाजू का जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि यार जब भी नए वीडियो लाऊंगा यार आर्ट्स रॉयल के रिलेटेड और बाकी सारे गेम के रिलेटेड तुम लोगों को यार सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो गाइस यार आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार कीप वॉचिंग माय वीडियो।